वेलकम टू द कंसेप्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्पलिसिट फंक्शन के बारे में यानी इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेटिक फंक्शन फिर अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेटिक फंक्शन का मिसलेनियस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे तो इस फंक्शन में हम लोग इम्प्लिसिड फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे सबसे पहले इम्प्लीसिड फंक्शन क्या होता है उसका डिफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे लिखे हुए इम्प्लीसिड फंक्शन अ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन देखो यानी फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिस फंक्शन को डिपेंडेंट वेरिएबल देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वाई को जैसे वाई इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे डिपेंड है एक्स पे यानी एक्स का मान बदलेगा तो वाई का मान बदलेगा यानी एक्स का मान बदलने से वाई का मान बदल जाएगा इसलिए वाई डिपेंडेंट है एक्स पे तो वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे हम लोग और एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को नोट एक्सप्रेस द इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें वाई को एक्स के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन जैसे अगर यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन तो यहाँ पे अगर हम लोग y को x के टर्म में एक्सप्रेस करें लिखें तो नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ गुना में है फिर वाई स्क्वायर में है यानी किसी भी तरीके से y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है और x को भी y के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो इसको कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं तो उसका तो डिफरेंशिएशन पहले ही हम लोग देख चुके हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इम्प्लीसिड फंक्शन अरे इम्प्लीसिड फंक्शन का डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है तो इसका डिफरेंशिएशन का तरीका यही है एक ही चीज़ याद रखोगे इसमें कि इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद डी वाई डी एक्स जो बनेगा उसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे बाकी सब जो बचेगा उसको एक तरफ कर लेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा ओके तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं यहाँ चार इम्प्लीसिट फंक्शन है इन चारों का हम लोग डिफ्रेंसियन देखते हैं अगर अच्छा तरीके से सी, इसमें सीख गई इन चारों को तो कोई भी इम्प्लीसिट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियट हम लोग कर देंगे तो कैंसर होके चारों का डिफरेंसिएट देखो नंबर एक में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन जो फंक्शन है उसको डायरेक्ट लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ये दे दिया है देखो तो इसमें इम्प्लीसिड फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यानी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहाता है हर फंक्शन में यही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे कर लिए अब दोनों साइड में हम लोग डिफरेंशिएशन लगाएंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस यानी टर्म बाई टिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसियन ये हो गया टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ एक्स वाई है यहाँ गुना में है यानी यू इंटू वी के फॉर्म में है यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे एक का डिफरेंसिएशन दूसरे का बाहर में रखेंगे फिर दूसरे का बाहर में पहले का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे इसको बाहर रखते हैं तो डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस यहाँ बीच में आएगा साइन फिर यहाँ वाई को बाहर में रखेंगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ माइनस है तो बीच में साइन माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहां पे चेन रूल लगेगा यानी डी ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू यहां वाई लिखेंगे फिर डी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी चेन रूल लगाइए दोनों कट ही गया बराबर यहां वन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन यानी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का डिफरेंसिएशन जीरो होता है यहां पे टू एक्स होगा यहां पे एक्स यानी डी वाई डी एक्स तो डी वाई डी एक्स ही लिख देंगे प्लस वाई इन टू एक्स का डिफिनेशन वन माइनस यहाँ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई तो इसका हो जाएगा टू वाई यहाँ डी वाई डी एक्स ही रहेगा बराबर जीरो अब हम लोग डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे बचा एक्स इंटू डी वाई डी एक्स एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस टू वाई डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा उधर माइनस टू एक्स माइनस वाई अगर हम लोग यहां पे dy/dx को कॉमन लें तो x minus 2y बराबर होगा minus 2x minus y minus 2x minus y बटे x minus 2y यही इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x plus 3y equal to sine y तो उसको भी उसी तरह से डिफरेंटिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू तो x करेंगे डिफरेंटिएटिंग तो यहाँ पे टू एक्स का डिफ्रेंशन करेंगे तो टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे थ्री कॉन्स्टेंट बाहर वाई का रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे डी ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू डी वाई डी एक्स ही रहेगा यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे डी ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर डी वाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस थ्री डी वाई डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई डी वाई डी एक्स ही रहेगा अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे वही आंसर हो जाएगा तो यहाँ डी वाई डी एक्स को इधर लेके आएंगे इसी को उधर लेके आ जाएंगे और कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस थ्री इक्वल टू टू इसलिए डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा टू बटे कॉस वाई माइनस थ्री यही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसको भी उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स सेम सब सब में एक ही रूल अपनाएंगे यहाँ पे ए कांस्टेंट ए बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से एक्स का डिफरें एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस यहाँ बी कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में वन प्लस बी इंटू वाई यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे चेन रूल लगा देते हैं y को, y square को वाई के रिस्पेक्ट में फिर डी वाई डी एक्स तो देखो ये सीख लो यहाँ पे तो टू वाई डी वाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू इसका भी यहाँ डायरेक्ट चेन रूल लगा देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डी कॉस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर डी वाई डी एक्स तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कॉस वाई का माइनस साइन वाई डिफ्रेंशिएशन और डी वाई डी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं तो तुम लोग डायरेक्ट ये लगा सकते हो पहले लिख के भी लगा सकते हो तो सेम ही रिजल्ट आएगा तो फिर डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे बाकी सबको एक तरफ करेंगे उसी को इधर लेके आते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा और डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे उसके अंदर से तो साइन वाई यहाँ पे बचेगा प्लस टू बी वाई इक्वल टू होगा ए तो ए को उधर लेके जाएंगे माइनस ए अब डी वाई डी एक्स से लिख लेंगे डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए बटे साइन वाई प्लस टू बी वाई यही हो जाएगा इसका आंसर चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के ये भी आसान है डिफ्रेंशिएटिंग बोर्ड द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ऑफ साइन स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डी ऑफ कॉस एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स यहाँ पे डी ऑफ यहाँ पे के है कॉन्स्टेंट है वो जीरो ही हो जाएगा यहाँ भी आप चैन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे डी ऑफ यहाँ साइन स्क्वायर वाई है विद रिस्पेक्ट टू साइन वाई लगाएंगे फिर साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस यहाँ पे उसी तरह से इसी तरह से हम लोग चैन रूल लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है इसका जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू साइन वाई को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू साइन वाई हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में है तो टू एक्स इंटू यहाँ पे साइन वाई को कॉस वाई हो जाएगा इन टू डी वाई डी एक्स यहाँ पे रहेगा प्लस यहाँ भी करेंगे कि कॉस एक्स वाई रिस्पेक्ट टू एक्स वाई तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा फिर यहाँ एक्स इंटू वाई है ये एक्स इन वाई प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे तो एक को बाहर में दूसरे का डिफ्रेंसीन फिर दूसरे बाहर में पहले का डिफरेंसिएशन पहले का डिफरें एक्स का डिफरेंसन वन होगा बराबर जीरो अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लो बाकी सबको एक तरफ यहाँ पे टू साइन वाई कॉस वाई को लिख सकते हैं हम लोग साइन टू वाई डी वाई डी एक्स यहाँ पे माइनस है गुना करेंगे माइनस एक्स साइन वाई डी वाई डी एक्स माइनस वाई या साइन एक्स वाई है माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो तो डीवाई डी एक्स को कमल लेंगे यहाँ पे जो आएगा वहाँ उसको नीचे में भेजेंगे तो इसको माइनस वाला टर्म को उधर जाएगा प्लस वह जाएगा साइन एक्स वाई बटे साइन टू आई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई यही इसका हो जाएगा आंसर तो इस तरह से हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन देखें और आगे वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे और इस तरह से डिफ्रेंशिएशन पूरा हो जाएगा ओके थैंक्स स्टे होम स्टे सेफ